पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, बहुत सारे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वेलनेस फूड के लिए हम क्या कर रहे हैं, राइस क्रीम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एप्पल पाई। ये हमारा फ्रेश एप्पल है। मार्केट में एप्पल बहुत सारे थे जिसे सिंथेटिक में होता है, तुम्हारा बहुत सारे केमिकल होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले जैसे फ्रेश एप्पल लिया, हम इसको डालेंगे पानी में, सो करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जैसे केमिकल है बाहर, कैसे इसे केमिकल छुड़ाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोडा लेंगे, स्वीट सोडा डाल के हम इसे पानी में डालेंगे, तो जो हमारा केमिकल है इसमें बाहर से जो केमिकल ऑलरेडी हमारे पास पी प्रोडक्ट में बस एप्पल पी है, हमारे पास ये एप्पल पी प्रोडक्ट है। ये हमारे व्हिप क्रीम हो गए, ऑलरेडी हमारी तैयार हो चुकी है व्हिप क्रीम। और हमारा जो एप्पल पाई का जो हमारा मिक्सचर है
जो हमारे एप्पल है ये हमारे लिए बिल्कुल ड्राई हो गया क्योंकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल सूख गया है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हल्का सा क्या शोते हो चुके हैं। एप्पल ग्रीन एप्पल है, ग्रीन एप्पल के साथ भी और भी फ्लेवर इसमें आप मेल्ट करेंगे, लाइक इज रेजिन, ठीक है ना, आपका सिनेमन स्टिक, सिनेमन पाउडर, ठीक है, नटमेग जिसे हम जैफर बोलते हैं, फ्लेवर आप कुछ भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एप्पल की एप्पल हम क्या दे रहे हैं, सिनेमन ही दे रहे हैं, ठीक है, बट हम एप्पल पाई बना रहे हैं तो बेकरी में क्या होता है कि एप्पल पाई सिनेमन देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन सर। यस सर, जैसे एप्पल के काफ़ी टाइप के होते हैं तो उसमें टेस्ट का आता है, एप्पल में टेस्ट का फ्लेवर होता है, ग्रीन अलग होता है, किसी का अलग होता है, एप्पल मिंट मिंट एप्पल हो गया आपका, ग्रीन एप्पल हो गया, ठीक है ना, हर एप्पल का अपना टेस्ट होता है। पर अगर हम एप्पल पाई बना रहे हैं तो एप्पल पाई में हम क्या करेंगे, अब जो हमारे हम सोते हर किसी को करेंगे, चाहे ग्रीन एप्पल हो चाहे तुम्हारा एप्पल मिंट एप्पल हो, ठीक है ना, उसको तो सोते तो करना पड़ेगा क्योंकि हर किसी के अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा आती है, ठीक है, उसे हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, हीट से। ओके, ये हमारा रेडी हो चुका ऑलरेडी, तो हमारे पास अभी जो ऑलरेडी यहाँ पे ये मिक्सचर ऑलरेडी रेडी हो चुका हमारा। ओके, और ये हमारा है स्वीट पेस्ट, स्वीट पेस्ट बटर शुगर एंड फ्लावर एट्रीब्यूट हमारे पास बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया स्वीट पेस्ट, ये ऑलरेडी हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे क्रस्ट, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पेस्ट। और ये हमारा है एप्पल पाई का मोल्ड, जरूरी नहीं कि इसमें बनता है, डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं आप इसमें, जो हमारे बैटर है इसे हम एप्पल पाई बना सकते हैं, एप्पल स्ट्रूडल बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास कुकीज़ का बेस है, बेस की कोई भी चीज़ कहने पर बना सकते हैं, एक्स वाई जेड साल्टेड बन सकता है, स्वीट बन सकता है, सेम लाइक इस मेथड सेम वही है जो हमारा बटर के साथ है। इसमें अगर हम स्वीट बनाना तो हम स्वीट सोर डालेंगे, इसमें अगर हम सॉल्ट बनाना तो सॉल्ट डाल देंगे, तो हमारा वो किसके लिए यूज़ हो सकता है, कोई भी डिफरेंट प्रकार की कैनेपी हो सकती है, ठीक है, जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल में कोई भी चीज़ जाएगा तो हमारे पास स्वीट पेस्ट और सॉल्ट पेस्ट नहीं बनाते हैं, ये हमारा अभी क्या है स्वीट पेस्ट। ठीक है, ठंडा हो रहा है, रब करेंगे अभी, पेस्ट की खासियत है कि जब हम इसे क्रीम मेथड होता है, क्रीम बटर को और शुगर को जब क्रीम करते हैं तो उसको हम जब उसमें ऐड मैदा करते हैं तो पूरा उसे मिक्स नहीं करते, केवल थोड़ा से घुमाना है, उसके बाद इसे डीप फ्रीजर करना है, डीप फ्रीजर के बाद इसे आप घुमा सकते हैं और कितने भी रब करो इसे। सर ये टूटना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, ये टूटना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ये क्रस्ट पेस्ट है, अगर तुम्हारा मिक्स हो जाएगा पूरा तुम्हारा इलास्टिक बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्रस्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए, मैं सॉरी जुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल टूटना ही चाहिए। डेट पे मार्केट में बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसके हमारे केमिकल यूज हो रहे हैं, बेकरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, बेकरी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे फ्रेश, ठीक है ना, फ्रेश बनाया जाता है, स्वीट के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैगरी हो गया, जरूरी है शुगर यूज करो, मोलासिस हो गया, बहुत सारे हेल्थ कॉन्सेप्ट हो गए।
वेरी गुड, ठीक है, पहले पहले ये था, ओके, इसे तो क्या रब, अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम पहले ही इसे मिक्सचर में हम क्या करेंगे, इसे मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इलास्टिक बन जाएगा, इम्पोर्टेंट यही है, ये हमेशा पूरा नहीं मिक्स नहीं होना चाहिए, केवल क्रीम मेथड अच्छा होना चाहिए, जो आपका क्रीम हो जाएगा, बटर क्रीम और शुगर वो अच्छा होना चाहिए, मेल्ट जब मैं ठीक है आपको क्रीम करना है उसे, ठीक है, अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, पीछे पे खड़े पीछे पे खड़े बेलर पैलेट नाइफ होगी, ओके पैलेट नाइफ, यस देखो इसका तरीका होता है, ठीक है ना, अगर हम इसके जिस तरह से अगर सपोज हम इस तरह से नाइफ मारे इसमें तो इस तरह से क्या है, तिरछा होना चाहिए, दबा के रखना चाहिए, ठीक है ना, अगर यूं मारेंगे टूट जाएगा, ठीक है ऊपर आ जाएगा, ओके उसके एक क्या होता है तरीका, ठीक है ना, हम मारे निकल जाए, ठीक है इधर से मारेंगे, ठीक है देखा नहीं, मतलब इसके मतलब उसकी डिसीज क्या जा रहा, हम क्या कर रहे हैं डस्ट कर रहे हैं, समझ गए, नहीं फिर आता इसको रोटी बनाने आती है, यस सर, हाँ यस सर, यस सर कि नहीं आती बनानी, आती है सर, क्रस्ट पेस्ट, ठीक है ना, इंडस्ट्री के बारे में अगर बोले क्या बोलते हैं क्रस्ट पेस्ट, ठीक है ना, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट ओवर बचा है, जो साइड बचा है, उसको हम ज़्यादा मैदा नहीं डालेंगे, अगर मैदा डालने से क्या करेंगे हम उसको ड्राई होता है, ठीक है ना, तो ड्राइनेस क्या होगा, वो जो बेकिंग होगा बेकिंग में प्रॉब्लम पड़ता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं साइड कर देते हैं, ठीक है ना,
ये हमारे क्या हो गए, बेस तैयार हो गए। ओके बेस, इसके लिए एप्पल पाई के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लगते हैं, एप्पल पाई हो गया, एप्पल फ्लान हो गया, एप्पल पुडिंग हो गया, एप्पल गोतो हो गया, ठीक है ना। अपना तुम्हारा नाम क्या है, गोपचू, एप्पल गोपचू हो गया, एक्स वाई जेड फेमस होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी रख दो, ठीक है ना। संतनाला पुडिंग होगी, एक्स वाई जेड बेकरी है, बट टेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेस्ट, जो चीज़ नाम दे रहे टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। गुड, ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इसे वैसे 5 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसे फ्रीज करेंगे ताकि ये सेट हो जाए, ठीक है। इसको भी फ्रीज कर दो, ठीक है। अभी तक हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलिंग फ्रीजर खोला जी, हाँ फ्रीजर नहीं, फ्रीजर ओनली केवल 2 मिनट के लिए ज़्यादा। जो भी काम हो गया उसके बाद अपना खुद का टेबल सेफ का एक काम होता है कि ऐसे नहीं कि हम नीचे डाल रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में एक किचन शूटिंग होता है, हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर जो बंदा सफाई करता है नीचे उसको भी काम होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो लेफ्टओवर जो बचा होता है हम क्या करते हैं उसको ताकि हम डस्टबिन डालेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको यही घातक होता है, ऑयल होता है, फर्श होता है, और स्लिप हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। नाइफ होती है सामने भी, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब वो स्लिप हो गए, नाइफ गिर गई, लगे कहीं कट, इसीलिए हमें सेफ्टी भी देनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ यूनिफॉर्म का भी ध्यान देना है कि हमारे कपड़े गंदे ना हों, ओके। ये हमारा बैटर है जो हमारे पास सुल्ताना रेजिन, ओके, एंड सिनेमन स्टिक, सिनेमन पाउडर, फ्रेश क्रीम, ओके, वनीला स्पंज एंड एप्पल, ठीक है, एंड शुगर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी बैटर रेडी। ये बिल्कुल हमारा सेट हो गया, ओके, परफेक्ट हो गया। इसको क्या करें, फिलिंग करेंगे, फ्लेवर देंगे, फ्लेवर फ्लेवर स्मेल भूख लग गई, ठीक है। अभी क्या है कि दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल आना है, ठीक है, इंडियन फेस्टिवल आ रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, दिवाली में किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। कुकीज बन सकती है, चॉकलेट बन सकते हैं, ठीक है। तो मिठाई जगह मिठाई मत दो, मिठाई दो दिन में ख़राब हो जाएगी, बेकिंग पाउडर दो, बस इसे क्या करेंगे, फिल करेंगे, फिल करने से क्या होगा कि इस पर गैप नहीं रहेगा, ठीक है, गैप रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कटिंग में टूट जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा, ओके। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्या
क्या करेंगे, उसको डिजाइन देंगे ऊपर, डिजाइन आप पूरा भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, पाव भी मार सकते हैं, किसी की पिक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रहा है वो कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी को ना जब शेप होते हैं ना, शेप की बॉडी पता कैसा होता है कि तू शेप पागल होता है, ठीक है ना, पागल समझते ना कि पागल हो गए, आगे से हीट होती है, पीछे से हीट होती है, रेंज में जो काम करता है, ठीक है ना, सामने भी नाइफ होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जब बातें करते हैं, ठीक है ना, तो पागल होता है, पागल समझते ना, कभी किसी ने बोल दिया ऊपर से ऑर्डर आ गया है, तुम्हारे खाने का टाइम है, किसी को ऑर्डर आ गया, चिड़ गया यार मेरे खाने का टाइम है, कि गेस्ट का ऑर्डर आ गया, ठीक है ना, तो पागलपन ये नहीं कि वो किसी को चाकू मार दे, नहीं वो नहीं है, पागलपन होना चाहिए कि हाँ यार कस्टमर का, गेस्ट का किसी का क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, मैं अपना खाना छोड़ के उसे खाना दूँ, वो पागलपन होता है, समझिए। अब इसमें क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है, वाइंडिंग के लिए या तो आप एक वास यूज़ कर सकते हैं, एगलेस है तो पानी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं, दूध में शुगर मिलाना ज़रूरी होता है, ठीक है, उसमें कलर आता है, तो यहाँ पे तो सब नॉन वेज है, हाँ यस सर, होटल में जाने से पहले, इंडस्ट्री में जाने से पहले सब चीज़ भूल जाओ, आठ घंटे के लिए भगवान के लिए भूल जाओ, सभी तुम भगवान तुम हो, सब चीज़ तुम हो, ठीक है ना, अगर सोचोगे कि भैया भगवान है तो काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तो भगवान को याद करना है तो भूखा रहना पड़ेगा, फिर तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, चिमटा लेके, है ना, एक्स ना, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर जो होता है होटल में, ठीक है, उसको हम देना पड़ता है, वो क्या मांगते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से होता है, हमारे इंडिया में हम जो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, सपोज ठीक है हम तो मानते हैं, वो नहीं मानते, ठीक है ना, सपोज तुम्हारे यहाँ कोई नवरात्र चल रहे हैं या आस पास श्राद्ध चल रहे हैं, तुम शेफ हो, बोलोगे क्या कि मैं शेफ हूँ, मैं अंडे नहीं खाऊंगा, तो मैं कैसे दूंगा उसको कस्टमर को, कैसे दूंगा उसको, फ्लेवर टेस्ट कैसे करूँगा उसको, तो पहले खुद को टेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लग गया तो आप उसे सर्व करो, उससे बेटर है वो कि सर सॉरी नॉट अवेलेबल, ठीक है, कंप्लेन आने से बेटर है, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, हीट इतनी हो रही है कि मेल्टिंग हो रही है बटर, गैस ना गैस ठीक है, इसको फोड़ दो, अंडे को स्पॉन्ज देने बस,
ब्रश होगा आप ब्रश उसने एक्सा भी खाते हैं सर सर हमने वोटर में डिस्कवर ब्रश ब्रश यस सर खाना सब पी आ जाए ऐसे नहीं क्या करी मेरे लिए एक से ठीक है एक बस इसको क्या करेंगे इसको पॉलिश करेंगे ठीक है शाइनिंग के लिए या उसके लिए ऊपर गोल्डन कलर आएगा टेम्परेचर यस टेम्परेचर मेंटेन इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए ठीक है ना तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो चुका है ठीक है अब इसको हम पकाएंगे ठीक है ना सपोज आपने मैटर रेडी करते सब चीज कर दिया और बेकिंग में डाल दिया ठीक है और आप दूसरे काम कर रहे हैं जल गया तो आपका कितना प्रोडक्ट खराब हो गया कितनी मेहनत की 4 घंटे की मेहनत खत्म टाइम ओके इसलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है बेकरी में बेकिंग बेकिंग इंपॉर्टेंट होती है जलना भी नहीं चाहिए कच्चा नहीं रहना चाहिए ठीक है इसलिए टाइमिंग और टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हर प्रोडक्ट का अपना अपना टाइमिंग होता है अपना अपना टेम्परेचर होता है ठीक है ना इसमें हमारी क्रस्ट पेस्ट है क्रस्ट पेस्ट में हमें टेम्परेचर कितना देना है ठीक है ना उस डेस्ट 115 डिग्री टेम्परेचर है 45 मिनट्स की इसकी बेकिंग 45 मिनट्स की इसकी बेकिंग है 150 डिग्री टेम्परेचर में ठीक है ना मतलब हमारे पास ओटी ही है ठीक है ना तो इस पर हम टेम्परेचर कम देंगे ठीक है ना ऊपर लीजिएगा ओके ये हमारा कुमर है ऑफ और ठीक है ये हमारा टाइमिंग है तो हमारे 50 मिनट है ठीक है ना डाउन इसमें ऊपर ये ऊपर नीचे हो जाएगा ठीक है अब टेम्परेचर जब आएगा हमारा हम इसमें क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे तैयारी पेस्ट टेस्ट यहाँ पे साफ करो इसको पूरा क्लीन कर दो ये स्पंज है ठीक है एग्रेस स्पंज है खाना आगे वीडियो में आता है तो पीछे ये हमारा स्पंज है ठीक है स्पंज एग्लेस भी आता है मार्केट में भी आता है अगर तुम्हें फ्लेवर देना अपना टेस्ट देना है ठीक है खुद का स्पंज बनाओ खुद का स्पंज बनाओ ठीक है ना खुद से क्या होगा कि आपका जो क्वालिटी होगी वो डेवलप होगी ठीक है कस्टमर जब जब आएगा तो वो आपके यहाँ ही खाएगा क्योंकि आपका बेटर है ठीक है ये कैसे बनाएंगे इसको हाँ बताओ एक ग्लास मिक्सर आता है मार्केट में
उसमें केवल उस पर रेसिपी लिखी हुई थी पूरी, ठीक है, रेसिपी के अनुसार आप पानी मिलाएंगे उसको मशीन में, जैसे हमने क्रीम फिल्टर सेम ऐसे ही बस डीप फ्रीजर पर उसमें ओवन में, उसके बाद आप फ्रीज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, कोल्ड होने के बाद में उसमें, ठीक है। वैसे मेरा सू नाइफ नहीं है आपकी, आई थिंक टेम्परेचर आ चुका है हमारा, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बेकिंग के लिए डन, यस डन, ठीक है, बहुत हीट हो गई, ओके, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बेकिंग के लिए डन, टाइमिंग और टेम्परेचर, ओके। अब हम बनाएंगे पेस्ट्री, ठीक है, इसके लिए स्टू नाइफ होती है, ठीक है। स्टू नाइफ से क्या होता है, कटिंग होता है, ठीक है, हमारे वैसे भी अवेलेबल नहीं है तो हम इसे ऐसे काटेंगे रफली, ये है लेयरिंग के, केयरफुली की अपना हाथ बचा के, ठीक है, शुगर सिरप है। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारा स्पंज है इसको सॉफ्टनेस के लिए हम क्या करेंगे, लिटिल बिट शुगर सिरप डालते हैं, ठीक है ना, अरे कूल होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, ओके। इतना फ्लेवर मिला सकते हैं, सिनेमन स्टिक हो गया और स्टार एनिस हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारी क्रीम है, ये छोटे बॉल के ऐसे छोटा बॉल छोटा हमारे छोटा लाइट जाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ब्लैक चेरी, ठीक है, अगर आप रसबरी है, पाइनएप्पल है, जो पेस्ट लेना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी है, जो फ्लेवर देना चाहते हैं वो बन जाएगा।
उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ठीक है ना। आप जितने लेयर देने दे सकते हैं दे सकते हैं। पानी मिला दिया और यस सर पर पानी मिला उसमें। ठीक है, रेडी हो गया हमारा, ठीक है, कंप्लीट पेस्टी बन गया। सिर्फ वाटर है ना, शुगर सिर्फ, शुगर नॉट वाटर। हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्या होता है, कटिंग। बस शू नाइफ होती है, और शू नाइफ नहीं है तो हम इसे कटिंग करेंगे, ठीक है। बट आप क्या यूज़ करेंगे, शू नाइफ, ठीक है ना। अब इसमें से कटिंग करो, बट आप केवल शू नाइफ ही यूज़ करेंगे, ओके।
पानी से क्या होती है, अच्छा से क्या होता है, शाइनिंग और स्मूथ वाटर। एक बेसी होती है में, क्या है कि डेकोरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है साइड में, ठीक है ना, अगर हमें साइड में कुछ देना है, बनाना है, ठीक है बेटा। यस, अब फोम होता है, फोम मार सकते हैं, ठीक है, फोम समझते हैं सर, फोम क्यों सर, कंगी बालू वाली कंगी नहीं होती, यस सर, नॉट हेयर वाली कंगी, यस पेस्टी कंगी होती है, ठीक है। हाथ साफ होने जरूरी है, यस सर, ठीक है। इस पे डिजाइनिंग क्या कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, डिजाइन लगे, ठीक है, थोड़ा क्लीन करो, फिर आप सामने पे कटिंग बता दो आपको, ठीक है, यस। और बटर से वो कटिंग करनी है, कीप बनाई है, कीप समझते, यस सर, यस ठीक है। की बनाएंगे की कैसे बनाना, बड़ी छोटी जैसे आप चाहते हैं, ठीक है, सब से बनाएंगे, ठीक
ओके ठीक है हेलो अब इसको हम देखो भाई इसके तरीके बनाने के तरीके ठीक है इस तरह से कट गई है अब इसको हम क्या बनाएंगे कीप ठीक है ये पार्ट लिया ठीक है और यहाँ से फिंगर रख दिया ओके ये पार्ट लिया और ये फिंगर रख दिया इसको यहाँ से क्या कर दिया हमने जस्ट मोड़ दिया ठीक है ये बन गया क्या बन गया इसे बोलते हैं पैकिंग बैग ठीक है पैकिंग बैग व्हाइट क्रीम है फेस क्रीम बस इसमें कलर फुल होता है कलर भी डालते हैं हाँ हाँ क्या क्या हर्षित डाल सकते हैं हर्षित 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 में होता है चॉकलेट कलर सिरप कलर के लिए ठीक है ये हमारा की फैक्ट्री ठीक है बटर पेपर इसलिए होता है कि ये सिर्फ फटता नहीं है ठीक है ना क्रीम के साथ फटता नहीं सीजर लेके हो हमारी बेकिंग हो रही है अंदर हमारा बेकिंग हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है फैंटास्टिक नाइस ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको कटिंग करेंगे तो इसका कटिंग हो रही है केवल बस इसकी सुनाइफ होता है ठीक है सुनाइफ नहीं है मेरे पास अभी बट हम क्या करें फिर भी हम क्या करें इसको कटिंग करने हैं ठीक है हम इसको क्या बना रहे हैं पेस्ट्री किधर को आपको लिया अभी ठीक है आर यू लियरिंग ठीक है अब हमारा बनेगा इम्पोर्टेंट होती क्या होती है कटिंग पेस्ट्री बेक कीजिए बेक प्लेट है प्लेट सीजर है पेंसिल है जल्दी लिखो तो फर्स्ट रिसेप्शन पे रखी थी पता नहीं दीपिका मैंने कहा दीपिका मैंने आवेदन क्या कह फैंटास्टिक इसमें हल्के से हम क्या करें ऊपर से कलर उड़ा देंगे फिर कलर के लिए जो गोल्डन कलर आएगा तो वो अच्छा बनेगा क्योंकि बेक हो रहा है टाइम लगेगा बहुत छोटी दिया है
उसमें से क्या करेंगे, डिग्रोट करेंगे। ओके आपका ये फेस्टिवल, इसमें हम ऊपर से लगा सकते हैं कुछ इसके लिए क्या करते हैं, इसके काला ना पड़े थोड़ा जेल होता है, ठीक है ना। तो हम जेल में इसमें क्या करते हैं, डूबते हैं अदरवाइज हमारा शुगर शीरप है भी, ठीक है ना, ताकि शुगर शीरप में भी हमारा ये ब्लैक ना पड़े, ठीक है। ओके किसी की हाइट पड़ी है तो उसे कटिंग कर सकते हैं। परफेक्ट। Okay? Yes, sir. This is pastry. How was the class? It's good? Yes, sir. Yes. Clapping? Clapping. Clapping yeah. Clapping okay. Clapping Nice. Flavor is nice. Apple pie is also there? No. Maybe. Okay. Modern. 20 minutes. Okay? Yes. Great, short plate. Great? Yeah. Pasty, how do you say? Pasty, how do you say? Chamach mara, mom liya, melting. Like it's very good fish. As in dry, nisa, like cream nahi hai, kuch nahi hai. ये फ्रिज में रखो कम लोग आप
आपको लग रहा है ना कि पूरी पेस्टी बराबर बन रखी है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, कटिंग नहीं है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट ही होते, ठीक है, कहीं तिरछी नहीं है, कहीं कोई गिर रहा है, कहीं नहीं, ओके, एग्जैक्ट है। अब जैसे टेस्ट करोगे बहुत सॉफ्ट है,